हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित। वेलकम टू माय चैनल सुमित सर हर्षित एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के लिए। 11th 12th साइंस में भी यूज़ होता है, डिग्री में भी आता है, फिजिक्स के एप्लीकेशन में भी आता है। वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो भी आता है। डिप्लोमा के मैथ्स में भी आता है। तो सब जगह डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं। इन शॉर्ट, इन ब्रीफ मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखो क्या है डिफरेंशिएशन, हम दो तीन चीजों जगह सिंबॉल से लिखते हैं। या तो मैं एफ डैश एक्स लिखूंगा, उसका मतलब भी होता है डिफरेंशिएशन। अगर मैं ऐसा लिखता हूं y1, उसका मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है। अगर मैं लिखता हूं dy/dx, वो भी सिंबल डिफरेंशिएशन का ही है। अगर मैं y डैश लिखता हूं, वो भी सिंबल डिफरेंशिएशन का ही है। तो चार तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कई बार ऐसा लिखते हैं फाइंड डेरिवेटिव, तो फाइंड डेरिवेटिव लिखा हो तो भी आपको डिफरेंशिएशन ही ढूंढना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, उसका फर्स्ट सब टॉपिक, यानी ये चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है टॉपिक नंबर 1, फाइंड डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन। यानी यूनिवर्सिटी में कई क्वेश्चंस में आपको क्लियरली लिखा होता है कि फाइंड डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन। तो उसको सॉल्व करने का मेथड अलग है, जो हम लिमिट के फॉर्मूलाज यूज करके डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में यूनिवर्सिटीज में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन साइन एक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 1 के मैं 4-5 वीडियोस ऐसे बनाऊंगा जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में या तो पूछे गए हैं या तो आ सकते हैं। नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आप प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले वो कर दीजिए। आपको जो इस चैनल में वीडियोस मिलने वाले हैं वो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं, और इतना बेनिफिट आपको देंगे आप दूसरों को भी शेयर करोगे, खुद ही शेयर करोगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है जो लिमिट का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिमिट का फॉर्मूला लिखता हूं, फिर वो फॉर्मूला के हिसाब से हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा कैसे ढूंढेंगे वो आपको मैं समझाता हूं। ये आपका लिमिट का डेफिनेशन का, यानी सॉरी डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन का फॉर्मूला। इसमें अभी आप देखो जो क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, एक्स रेस टू एन हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, वो जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हमें वाई भी बोल सकते हैं, इसको मीन्स दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को y भी बोल सकते हैं और इस क्वेश्चन को f ऑफ x भी बोलते हैं। यानी क्वेश्चन में जो भी दिया हो उसको f ऑफ x लिख देना है। यानी कि ये फॉर्मूला में जो f ऑफ x है उसका आपको वैल्यू मिल गया है। सो दिस वैल्यू यू कैन रिप्लेस इट इन दिस f ऑफ x, इसकी वैल्यू पता लग गई। अब हमें f ऑफ x प्लस h की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो कैसे ढूंढने के, f of x आपको दिया है sin x। अब आपको ये ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, यहां क्या लिखेंगे जो ये बन जाएगा। ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस h, ठीक है, क्योंकि x प्लस h, यहां पे x प्लस h लिखने के लिए मैं ऐसा लिखूंगा, रिप्लेसिंग x by
x plus h on both sides, दोनों जगह पे हम x के बदले x plus h डाल देंगे, तो देखो क्या बनेगा, x plus h, x के बदले x plus h, x के बदले x plus h, ऐसा बन गया। यानी कि हमने f of x plus h का आंसर ढूंढ लिया है, तो ब्रैकेट आएगा, ये मैंने आंसर ढूंढ लिया है, वो आंसर मैं यहां रिप्लेस करूंगा, तो क्या आएगा, h tends to 0, f of x plus h के बदले मैं ये लिखूंगा sin x plus h माइनस f of x के बदले sin x डिवाइड बाय h। समझ आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हमने किया है, इसमें ही बच्चों को, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये शांति से आप वीडियो को बार बार प्ले करके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप अच्छे से इसको पहले समझ लीजिए, क्रैम मत करना, गोखना नहीं है मैथ्स में, समझना है कि कैसे कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है, एप्लीकेशन करने के बाद फॉर्मूला, फिर आपको तो मैथ्स अगर आपने राइट किया होगा 2 से 3 बार तो आपको आ जाएगा अच्छे से। ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारे सम का। अब देखो इसमें क्या है, साइन माइनस साइन, साइन है कुछ एंगल है, माइनस साइन है कुछ एंगल है, यहां पे एंगल है x प्लस h, यहां पे एंगल है x, तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन a माइनस साइन b होता है तो 2 cos a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2। इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, मैंने लिखा हुआ है s माइनस s इक्वल्स टू 2 cs, ठीक है, ये यहां पे एंगल a यहां पे b, तो पहले दोनों एंगल्स का प्लस करके डिवाइड बाय 2, फिर दोनों एंगल का माइनस करके डिवाइड बाय 2 आपको करना है, तो देखते हैं। अब इसमें आपको x प्लस h जो है फॉर्मूला के हिसाब से उसको आपको a ले लेना है, और ये जो x है उसको फॉर्मूला के हिसाब से b आपको कंसीडर करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, देखो 2 cos, फॉर्मूला में लिखा है 2 cos a plus b by 2, तो यहां पे a क्या है, x plus h, a हो गया plus b है, तो b यहां पे क्या है, x by 2, समझ आया, और फिर sin लिखा है, sin a के बदले मैं लिखूंगा x plus h, x plus h minus b, तो minus b, b के बदले x whole divide by 2, यहां पे हमने formula apply कर दिया, ठीक है। अब क्या आएगा, limit h tends to 0, यहां पे देखो ब्रैकेट के अंदर ये x है, ये भी x है, x plus x 2x, तो यहां लिखूंगा मैं 2 cos 2x plus h by 2 sin x minus x cancel, तो बचेगा h by 2 whole divide by h, समझ आ रहा है। अब ये जो 2 है वो 2x के नीचे भी लिखेंगे और h के नीचे भी लिखेंगे, क्योंकि प्लस है, तो हम देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 2x के नीचे भी मैं लिखूंगा 2 और h के नीचे भी 2 लिखूंगा, sin h by 2 whole divide by h, 2 2 कैंसिल, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos x plus h by 2 sin h by 2 whole divide by
एच बाय, तो हमने ऑलमोस्ट 70% हमारा सम ओवर हो गया। अब यहां पे मुझे सॉरी टू नहीं है, यहां पे मुझे आपको एक चीज समझानी के अभी इसमें सम में दो फंक्शन हमारे पास है, यानी एक तो कॉस है और एक साइन है। कॉस को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, साइन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, बट आप देखिए साइन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो लिमिट का, जो मैंने यहां लिखा है। अगर हम इस सम में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें तो हमारा बहुत ही इजी सम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला का फायदा क्या है, ये फॉर्मूला का आंसर वन आता है, बस वन आंसर आता है, ये इसका फायदा। तो देखो पहले देखते हैं कि भाई ये फॉर्मूला यहां अप्लाई हो सकता है, देखते हैं। h by 2 है, देखो फॉर्मूला पहले ध्यान से देखो, थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा का लिमिट 1 होता है, यानी थीटा 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 हो सेम सेम सेम, x x x हो तो भी 1 होगा, h by 2 हो यहां पे थीटा के बदले, यहां भी थीटा के बदले h by 2, थीटा के बदले h by 2 तो भी 1 होगा, जब मैंने यहां पे लिखा। तो यहां पे थीटा साइन के साथ h by 2 तो है, बट नीचे h by 2 नहीं है, तो उसको कैसे लेके आ सकते हैं, डिवाइड बाय 2, यहां पे डिवाइड बाय 2 किया, यानी डिनोमिनेटर नीचे डिवाइड बाय 2 किया, ऊपर भी डिवाइड बाय 2 करो, कर सकते हैं ना। अब क्या होगा, कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ऊपर तो कैंसिल हो गया, नीचे हमारा देखो सेट हो रहा है काफी हद तक, बस फर्क ये है कि यहां पे h by 2 है लिमिट और यहां पे सिर्फ h है, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट हमारा सेट हो गया, ठीक है। तो मैं आगे का ऊपर का रफ करता हूं, इसका नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं आगे। अब आगे हम देखते हैं एक चीज, लिमिट h टेंस टू 0, अब मैं क्या करूंगा पता है, ये लिमिट दोनों के साथ कॉमन है, ये लिमिट उसको दोनों को अलग अलग लिखूंगा मैं। तो पहले cos का टर्म लिखता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h बाय 2 इनटू लिमिट s टेंस टू 0 sin का टर्म लिखूंगा, sin h by 2 अपॉन h by 2। अब जब मैं ये सम ट्यूशन में करवाता हूं तो बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये h by 2 जो है वो sin के नीचे तो लिखा, तो cos के नीचे क्यों नहीं लिखा। तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप ध्यान देना उसमें भी, कि अगर आपके सम में ऐसा हो कि x into y whole divided by 2 हो, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर आपको समझा हूं कैसे। और अगर आपके सामने ऐसा हो तो आप उसको लिखोगे x by 2 plus y by 2। ये स्टेप, ये सम एक सिंपल रिलेशन देख के आपको समझ आया होगा कि जब प्लस होता है तो दोनों के नीचे डिवाइड हम लिखते हैं, और जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों में से किसी भी एक के नीचे आपको डिवीजन करना है। ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा लिखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ आ रहा है। यहां पे मल्टीप्लिकेशन है, कॉस और साइन के बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए हम या तो h by 2 इसके नीचे लिखते हैं या तो इसके नीचे लिखते हैं। हमने यहां क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे हमारा सम फॉर्मूला यूज हो सकता है इसलिए। और इसी सम में हमने ऐसा भी किया था प्लस वन, ठीक है, चलो ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो अभी ये सेपरेट सेपरेट है, लिमिट इसका अलग है, लिमिट इसका अलग है। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहां पे बाय टू चाहिए,
उसमें ऐसा होता है लिमिट में कि यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वही यहाँ पे आपको करना होता है। अब यहाँ पे देखो, आप एच के नीचे टू लिखेंगे तो यहाँ जीरो के नीचे भी आपको टू लिखना पड़ेगा, ऐसा होता है मैथ्स में। तो एच के नीचे टू लिखा है तो जीरो के नीचे भी टू लिखना पड़ेगा। अब जीरो के नीचे टू लिखा, उसका आंसर क्या आएगा? जीरो बाय टू इज जीरो, तो इसका आंसर तो जीरो ही आ गया। यहां पे हमारा बन गया h बाय टू। अब फॉर्मूला सेम हो गया, मेन फॉर्मूला ये है, ब्लैक में लिखा है ये, तो मैंने उसको सेट किया कि इसके हिसाब से। तो यहां थीटा के बदले h बाय टू, थीटा के बदले h बाय टू, थीटा के बदले h बाय टू, और यहां पे साइन, तो वो होता है आंसर वन। यानी ये जो मैंने सर्कल किया है पूरे का आंसर हो जाएगा ओनली वन। और अभी इसमें आते हैं, अच्छा सॉरी, अभी इसमें हम लिमिट का जो ये वैल्यू है, एच का जो वैल्यू है, एच का वैल्यू क्या है? जीरो। एच का जो जीरो वैल्यू है वो हम यहां डाल देंगे, यानी यहां पे एच के बदले जीरो लिखेंगे, तो क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस जीरो बाय टू, ये वन थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, जीरो बाय टू इज जीरो, एक्स प्लस जीरो एक्स, तो कॉस एक्स इंटू वन, और ये हो गया फाइनल आंसर कॉस एक्स। यहां पे आपका सम हो गया। देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में बहुत बार आया हुआ है, और जीटीयू की बात करें डिप्लोमा की तो उसमें तो ये दो से तीन बार यही सम आया है साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। इसके बाद मैं कॉस एक्स का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, कम से कम चार से पांच वीडियो इसी टॉपिक टॉपिक नंबर वन के बनेंगे, वो चारों वीडियोज आप ध्यान से स्टडी करना, तो मेरी गारंटी है कि अगर आपको इस टॉपिक का सम आया है यूनिवर्सिटी में, जो कि हमेशा आता ही है, अगर ये टॉपिक का सम आया, आप मेरी चार से पांच वीडियोस इसी टॉपिक की स्टडी की होगी, तो आप इसमें एक भी मार्क कैंसिल नहीं होगा, आपके फायदे के लिए ही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।